हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू वॉफ्टेड चैनल। तो आप देख पा रहे होंगे कि वजीरएक्स का जो WRX कॉइन है बहुत लंबे समय से सिर्फ 10 रुपए के आसपास ही रुका हुआ था, जो कि इवन 5-7 रुपए तक भी नीचे गिरा था। और आज के दिन हम देख पा रहे हैं कि इसकी वैल्यू लगभग 19 रुपए तक पहुंची है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 100% से भी ज्यादा इसने प्रॉफिट दिया है। तो काफी सारे ऐसे एक्सचेंज बेस्ड कॉइन्स हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, क्योंकि एक्सचेंजेस तो काफी ज्यादा हैं लेकिन बहुत ही कम ऐसे कॉइन्स हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पर अच्छा प्रॉफिट देते हैं। तो ये वीडियो हमारा होने वाला है टॉप एक्सचेंज कॉइंस को लेकर। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। एंड मैं अपडेट्स देता रहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च करके या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, किसी भी कॉइन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारी वॉफ्टेड कम्युनिटी में भी आ सकते हैं। अगेन टेलीग्राम के ऊपर ये वॉफ्टेड डिस्कस के नाम से, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। यहाँ पे आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं हमारी पूरी वॉफ्टेड फैमिली के साथ। तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं काफी सारे कॉइन्स हैं, क्योंकि एक्सचेंजेस ही इतनी ज्यादा हैं। इनमें से बहुत कम एक्सचेंजेस हैं जिनका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का डेटा अवेलेबल है, यानी कि जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ हैं। अब सबसे ऊपर हमेशा बाइनेंस ही रहने वाला है, जिस कारण आपको BNB ही दिख रहा होगा, एंड उसके बाद ही आप लियो देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उनके सारे कॉइन्स परफॉर्म करेंगे। तो बुल मार्केट तो आ गया है, लेकिन इस बुल मार्केट में कुछ ही ऐसे लिमिटेड कॉइन्स हैं जो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो यहाँ पे इस लिस्ट में सबसे पहला कॉइन है जो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉइन है, ये है MX टोकन। MX टोकन है MEX एक्सचेंज का। ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एक्सचेंज है और इसका जो ऑल टाइम हाई आज तक गया है वो 2021 में गया था, जो कि लगभग $3.7 के आसपास गया था, यानी कि $4 भी ये क्रॉस नहीं करवाया था। आज अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो सिर्फ $3 के आसपास पहुंची है। और आप देख सकते हैं बुल मार्केट सिर्फ शुरू ही हुई है, अभी बिल्कुल नई शुरुआत ही हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 2021 से लेकर 2023 तक का डेटा देखते हो तो इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा स्टैग्नेंट रही है, एक ही जगह पे रही है, जो कि $3 के आसपास ही रही है। अभी मैंने आपको बोला कि बुल मार्केट शुरू हुई है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ पे डबल तक जा सकती है, यानी कि 3 से ये कम से कम $5-6 तक बहुत ही आसानी से जाने वाला है। लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पे $10 तक का है। तो MX टोकन हमारा सबसे पहला टोकन है। दूसरे टोकन की बात करें तो यहाँ पे ST टोकन। तो ST टोकन है हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज का, जो कि पहले हॉबी ग्लोबल के नाम से थी, अभी ये STX के नाम से जानी जाती है। और इसकी वैल्यू भी बहुत कम है, यानी कि आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं, जो कि $2.8 के आसपास चल रही है। ये वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड कॉइन्स में से एक मेरा इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम चल रही है ना, क्योंकि अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो एक समय पे ये लगभग $40 तक भी पहुंचा हुआ है। यानी कि अगेन ये 2021 में गया था क्योंकि 2021 में बुल मार्केट थी, और अभी मार्केट की बिल्कुल नई नई शुरुआत हुई है, $2.8 के आसपास चल रहे हैं। ये आपको इजिली यहाँ पे 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी इसलिए सही बन रही है क्योंकि अभी भी ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ऊपर इसकी वैल्यू चली गई है, ये लगभग $3 के आसपास ही रहता है, $2.5-$3 के आसपास इसकी वैल्यू रहती है, और अभी भी यही इतनी ही है। तो यहाँ पे आप बाय करते हो तो आपको यहाँ पे 10x तक का प्रॉफिट मिल सकता है। तीसरे कॉइन की बात करें तो ये एक वन ऑफ द फ्लॉप एक्सचेंज या फिर वन ऑफ द स्कैम्ड एक्सचेंज बोल सकते हैं, बिल्कुल जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस एक्सचेंज के कॉइन में अभी भी बहुत बड़ी पोटेंशियल है। एक्चुअल में FTX ने बैंकरप्टसी फाइल करी थी, बैंकरप्टसी फाइल करने के बाद भी ये अपने क्रेडिटर्स को धीरे धीरे पे करना चाह रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज दिख रही होगी कि जैसे ही बुल मार्केट आती है तो जितने भी ऐसे कॉइन्स होते हैं, चाहे वो LUNC हो चाहे वो FTT हो, किसी भी तरह का कोई कॉइन क्यों नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म करता ही करता है। तो यहाँ पे ये सिर्फ हम बेट करने वाले हैं FTT के लेकर, क्योंकि FTT ने मुझे पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। मैंने FTT की जो ज्यादा क्वांटिटी बाय करी थी वो लगभग $8 के आसपास ही बाय करी थी, और अभी इसकी वैल्यू ऑलरेडी $5 के आसपास चल रही है। लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये लगभग $80 तक भी गया हुआ है। एक्सचेंज तो ऐसा नहीं कि एकदम से वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ क्या है कि धीरे धीरे कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि एक्सचेंज थोड़ा थोड़ा रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। तो FTT टोकन भी आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, अभी भी इसकी वैल्यू बिल्कुल सही चल रही है, आप इसको बाय कर सकते हैं। तो FTX का FTT मत भूलना, लेकिन हाँ यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। लेकिन आपको यहाँ एक छोटी टिप देना चाहता हूँ कि जितनी भी नेगेटिव न्यूज है वो तभी आती है जब सारी इकट्ठी नेगेटिव ही चल रही होती है और पूरी मार्केट को डंप करना होता है, और वो भी प्लान्ड वे में ही होता है। तो इस वक्त अगर ऐसी कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आती FTX एक्सचेंज को लेकर, तो डेफिनेटली ये कॉइन भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। चौथा कॉइन हमारा जो है वो है BNB। तो BNB आप देख पा रहे होंगे कि इसने अच्छा प्रॉफिट हमें नहीं दिया है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर US के द्वारा लॉसूट चल रहा है और CZ ने रिजाइन कर दिया, यानी कि वो अभी CEO नहीं है बाइनेंस के, क्योंकि उनको पता था कि उनको US में ही रहना पड़ेगा, US नहीं छोड़ने दे रहे हैं US वाले, और उन्होंने किसी और को अभी अपना CEO बना लिया ताकि जो बाइनेंस है वो उसी तरीके से चलता रहे, बाइनेंस की जो वर्किंग है उसमें कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से BNB अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया,
बीएनबी के वैल्यू $230 के आसपास ही रहती है जनरली, और अभी भी कोई खास वैल्यू नहीं की है, सिर्फ $240-245 के आसपास ही चल रही है। लेकिन जो मेरा मानना है, इसकी वैल्यू $500-600 तक जा सकती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी वैल्यू इतना जाना है, इवन ये इथेरियम को भी कम्पीट कर सकता है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं तो बिटकॉइन के बाद इथेरियम आता है, फिर उसके बाद USDT आता है, लेकिन USDT को हम कॉइन नहीं मान सकते, उसके बाद आता है BNB। तो BNB में हमेशा आप ट्रस्ट कर सकते हैं, BNB हमेशा सही तरीके से चलता है। अगर हम लीगली तौर तरीके से बात करें या फिर किसी भी तरीके से बात करें, इन्होंने हमेशा गवर्नमेंट के साथ अच्छी तरीके से बनाकर रखी है, और ये प्रोजेक्ट जो कि बाइनेंस प्रोजेक्ट है हमेशा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रहे। इन्होंने अभी Web3 भी ले आया, यानी कि Web3 वॉलेट्स भी इनका अवेलेबल है। तो जो बाइनेंस का इकोसिस्टम है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस इकोसिस्टम में ना हो, बल्कि इसमें नई से नई चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से आप 2x प्राइस इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो BNB में, तो आपको इजीली यहाँ से $40-50 तो बहुत ही जल्द प्रॉफिट मिल सकता है BNB से। एंड मेक श्योर BNB तो आप हमेशा बाय करके रखे, चाहे इस प्राइस पे मिल जाए, चाहे जब बेयर मार्केट आती है तब कुछ क्वांटिटी बाय करने को मिल जाए, तो BNB में बाइंग जरूर करके रखना। मैं पांचवें कॉइन की बात करने वाला हूँ, तो पांचवा कॉइन बहुत लंबे समय से बहुत ज़्यादा नीचे चल रहा है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे चल रही है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली थी कि WRX जो है उसकी वैल्यू चल रही है अभी 10 से लगभग 16 तक पहुंची है। तो आपको ये चीज़ भी दिख रही होगी कि WRX अभी किसी को पता ही नहीं है, ना तो WZRX वाले मान रहे हैं, ना बाइनेंस वाले मान रहे हैं कि हमारा है किसका है। WRX के जो जितने भी बर्न्स है वो सारे बंद किए गए थे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से एक तो हम ये लगा सकते हैं कि इसके बर्न्स सडनली होने वाले हैं, यानी कि जब भी बर्न होगा एकदम से बर्न होने वाला है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है जो कि अभी करंटली चल रही है 962 मिलियन WRX के आसपास, जिसमें से सर्कुलेटिंग है सिर्फ 381 मिलियन WRX। तो जब इन्होंने बर्न किया तो सडनली बहुत ही बड़ा बर्न होने वाला है, एकदम से बर्न होगा, जिससे इसकी डिमांड सडनली बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू बहुत ही आसानी से $4-5 तो पहुंच ही सकती है। करंटली हम देख सकते हैं 20 सेंट के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है, जो कि रुपीज में बनती है लगभग 16-20 रुपए के आसपास बन रही है। तो एक समय पे ये WRX हमेशा 100 रुपये से ऊपर ही रहता था, 100 रुपये, 110, 120, और इसके आपको पैटर्न भी पता चल जाएंगे अगर आप WZRX के ऊपर इसको रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते हैं, तो WRX का एक हमेशा पैटर्न रहता है, यानी कि आप इजीली कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, और उससे एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो WZRX अगर हम इंडिया की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है, चाहे सारी एक्सचेंजेस के साथ इसको कंपेयर कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सचेंजेस उनके पास इतना वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हमेशा WZRX के पास ही रहा है। चाहे इसके ऊपर इनके अपने इश्यूज काफ़ी सारे हैं, जैसे कि विड्रॉल नहीं लगाने देते या फिर क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर नहीं करने देते, तो ऐसे इश्यूज तो हर एक एक्सचेंज के ऊपर है ही हैं, लेकिन WRX वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन एक्सचेंज बेस्ड कॉइन है। तो ये थे हमारे 5 एक्सचेंज बेस्ड कॉइन। लेकिन अगर आपको किसी भी और कॉइन के बारे में या किसी भी टोकन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कवर करूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।